मेरे ना इन्ना दुख की घड़ी है, मेरा रात को पता लग्या सवेरे तड़के वाइफ ने दसिया, मेरा बड़ा दुख मन मेरा बहुत भरया रहा भी इन्ना वधिया मान सीट कि करोना ने चले गया। हालांकि दो महीने पहले डेढ़ महीने पहले लोगों दसते थे करोना कुछ नहीं है यार, एक्सरसाइज करो वार्मअप करो ऐसे करो करके दसते थे, पर परमात्मा की जो देने भुल नहीं सकते। पर बंदा बहुत वधिया सी, बहुत अच्छा अथलीट सी, हिंदुस्तान च ना पैदा होया ना होना। इदा जी बलौर कैंप होंगे सके जे असी कि जाना तो जूस पीण जाना, इन कहना वेखा तू जूस तो पिया यार अज तू इन्ने पैसे दिते किटी च, तो पैसे दे जूस होया तो बहुत चंगा सी यार, चल चलो अज पिया ही दिना, तेनों पिया ही दिना, मतलब बहुत वधिया सी। काके होटल लै जाना सानू रोटी खवानी या वो करना, मतलब अच्छा सुभाव आ यार दा, यार सी ऐसी गल नहीं। एक्चुअली मैं जो सवेरे उठाया मेरी वाइफ ने दसिया भी टी वी देखो, मैं की होया कहना मिल्खा सिंह नहीं रहे, मैं है मैं यार तू एवं गलत कह रही कह रही नहीं टी वी देखो जाके, तो मैं देखिया भी ये तो सी भी पी आई जी है पहला मुहार भी, तो पिछले दो बारी खबर आ रही थी मिल्खा सिंह तबीयत फिर कहीं रात खबर आ रही थी मिल्खा सिंह की तबीयत खराब हो रही है, तो बड़ा दुख लग्या बड़ा शौक लग्या। मैं यार कमाल हो गई, मैं वो तो मैं गाइड करते भी करोना कुछ भी नहीं, मैं बेचारे आप ही चले गए, मैं हाले हफ्ता हो नहीं वाइफ चली गई वो चले गए, बहुत दुख होया जानी मैं कह नहीं सकता भी कितना दुख होया, मैं अपने आप में जाहिर नहीं कर सकता। फ्लाइंग सिख पद्म श्री मिल्खा सिंह जी के देहांत तो बाद जिथे पूरे पंजाब खेड जगत दे विच शोक की लहर है, उत्थे ही जिहड़े कि उहनां दे दोस्त भी जिहड़े कि अज शोक च ने अपनियां पुरानियां यादां कर भावुक भी हो रहे ने, तो साडे नाल उहनां दे नाल 1962 दी एशियन गेम्स दे विच दौड़ चुके जगदीश सिंह दियोल जी साडे नाल मौजूद ने, उहनां दे परम मित्र भी ने, अज जिहड़ा कि बहुत दुख की घड़ी है जिहड़े एडा महान अथलीट जमना इंडिया च बहुत मुश्किल है, सानू इन्ना दुख होया इन्होंने जानता, तो मैं अपना दिलों कह नहीं सकता क्योंकि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड सी गलबात रही जारी, जे मेरा कैरियर भी अथलैट्स होया तो वह बड़ा देन है मेरे नाल, उन्होंने मैनू जो मैं 1962 कैंप सीगा उन्होंने मैं दस्या जगदीश सिंह तू मेरे ना प्रैक्टिस कराया कर तू बनेगा, एक साढ़े ना उत्ते साउथ का सीगा सलवेरा वह भी चंगा अथलीट सी, कहना तू कटना जरूर तू मेरे नाल प्रैक्टिस करनी है जरूर कटना, इस करके मैं वह दिन नहीं दे सकता, जे मैं एशियन गेम से सिलेक्ट होया तो ड्यू टू मिल्खा सिंह क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिस कराते सी मेरी हार्ड वर्किंग कराते सी, तो मैं जो कहना सी मैं करता सीगा, वो मेरा प्यार भी सी, उन्हें सानू गाइड भी किया, फिर असं कट्ठे कैंपा च भी रहे 1964 जर्मन भी कट्ठे गए बगलौर भी कट्ठे रहे, तो मीटा पंजाब दी मीटा च भी असं कट्ठे दौड़ते रहे, अलाहाबाद च मैं इंडिया चो फस्ट भी आया और मिल्खा सिंह भी नाल सीगे, तो बहुत अच्छे थी जी बड़ी फैमिली वधिया सी, इन्हां दी वाइफ बहुत अच्छी सी बच्चे बहुत अच्छे सी, तीन लड़कियां ने इन्हां दीआं एक लड़का लास्ट चौथा, तो वैसे भी यार जिहड़े यार से उन्हें चंगी तरह मान करते सी उन्हां इज्जत करते सी, हमेशा मेरी कितें उन्हां नाल गल हुंदी रहिंदी सी दो तीन महीने चार महीने बाद उन्होंने बाद कि हाँ जगदीशा रेलवे वाले कहते रहे बहुत वधिया हुंदा सी। मिल्खा सिंह की देन नहीं कोई दे सकता अथलीट हिंदुस्तान जिन्ना कोई पैदा होया ना होना, जो उन्होंने ना कमाया इन्नी मेहनत की इतों उठ के एक फौज एज लांगरी भर्ती हुए सी वो देखो कितने तक पहुँचे हो, ये परमात्मा चीव है कितों पाकिस्तान चो आए किदा उन्होंने अपनी आके मेहनत की किदा नौकरी की आर्मी नौकरी की उन्होंने आर्मी नौकरी करने तो बाद हौली हौली अपने पहला क्रॉस कंट्री दौड़ते सी फिर उन्होंने 400 मीटर शुरू की 1958 56 400 मीटर तो एक अपने थ्रीड होंगे सी मैं ना भुल गया उन्होंने कटिया फिर कैंप च आए फिर 1958 एशियन गेम च इन्होंने दो मैडल जितते 200 मीटर चो आए फस्ट 400 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड किया एशियन गेम फिर 1962 इन्होंने असी इन्होंने 400 मीटर जीती और असी 1600 मीटर के सारे सरदार सी सर मिल्खा सिंह सर मक्खण सिंह सर दलजीत सिंह और माइसेल्फ ये चौहान ने नवा एशियन रिकॉर्ड किया 400 मीटर का अज तक इंडिया का 400 मीटर मैडल नहीं है कोई आया
होर मैडल आ 400 मीटर रिले अज तक मैडल नहीं आया। बहुत यार दे यार सी वधिया सी, जदों असी दिल्ली कैंप जाए सी मैनू नाल लैके आउंदे सी, असी कट्ठे बह के खाणा खाणा कट्ठे जाणा। उन्हां नूं बुलाउण वाले महाराजा दे सी जसविंदर सिंह जिहड़े इन्हां दे कैप्टन साहिब दे फादर सी, उन्हां ने उन्हूं बहुत वधिया बनाया। फिर कैरों साहब ने बहुत चुकिया उन्हां नूं, कैरों साहब ने नौकरी दित्ती, आर्मी आया नहीं कुछ दिता, कैरों साहब ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट किया पंजाब वास्ते और इन्हां नूं नौकरियां दित्तियां। जिन्हें भी स्पोर्ट मंत्री सर बलबीर सिंह, सर प्रतिपाल सिंह, सर मिरखा सिंह, इन्हां दी मिसेज़ नूं भी नौकरी दित्ती, वह भी वालीबाल की कैप्टन सी निर्मल सैनी। इस करके मैं मेरा इन्ना दुख की घड़ी आ, मेरा रात को पता लग्या सवेरे तड़के वाइफ ने दसिया, मेरा बड़ा दुख मन मेरा बहुत भरया रहा भी इन्ना वधिया मान सीट कि करोना ने चले गया। हालांकि 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले लोगों दसते थे करोना कुछ नहीं है यार, एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, बाद में करो एक्सरसाइज करो आप करके दसते सी, पर परमात्मा की जो देने भुल नहीं सकते, जो परमात्मा ने जिनी लिखी है उम्र जाना ही जाना। पर बंदा बहुत वधिया सी, बहुत अच्छा अथलीट सी, हिंदुस्तान च ना पैदा होया ना होना, ये बड़ी मिसाल है। सर कुछ अजिहे पल जिहड़े उन्होंने खास तौर पर तुहाडे नाल बिताए होन, कुछ अजिहे खा जिहड़ियां यादां कुछ चुनवियां? इदां जी बलौर कैंप च हुंदे सीगे, जे असीं कितें जाणा ते जूस पीण जाणा, इहनूं कहिंदा वेखिआ तूं जूस तां पिआ यार, अज तू इन्ने पैसे दित्ते किटी च तो पैसे दे जूस होया, तो बहुत चंगा सी यार, चल चलो अज पिया ही दिना तेनू पिया ही दिना, मतलब बहुत वधिया सी। काके होटल लै जाना सानू रोटी खवानी जां ओह करना, मतलब अच्छा सुभाव आ, यारां दा यार सी ऐसी गल नहीं, बहुत वधिया बनाया अपने आप नू चंगा बनाया, यार बहुत वधिया बंदे सी। की मैं दस्सां जाने दुख भरिया मैं कुछ उन्हां वास्ते पता बोल नहीं सकदा, इन्ना मन भरिया सवेर दे मन भरिया, सारे लोगों का मन भरिया। देखो जो चंगे चंगे कई मैंने फोन आया क्या यार तेरे इतने कई बंदा यार तेरा मिलखा सिंह यार चले गया, तेरा थ्रीट कट्ठे से जो भी हो गया, मैं हाँ यार पता लग्या। बहुत लोगों ने दुख मनाया, कई लोगों ने फोन आए, काफ़ी लोगों ने फोन आए, पर दुख की घड़ी है, हम कुछ कह नहीं सकते। परमात्मा ने उन्होंने परिवार सुख शांति रखे, लंबी उम्र दे, बच्चों उन्होंने बेटा भी अच्छा स्पोर्ट्समैन है जी मिलखा सिंह, बेटियां बेटियां ने, परमात्मा उन्होंने सुख शांति बरते, मैं यही कुछ दुआ कर सकता। जो तुम बार टूर से वहाँ जाते थे जिस तरह से जकार्टा गए थे या कितने जाते थोड़े नाल तालमेल किस तरह रहा, कुछ उतों दियाँ बहर दियाँ यादा, कुछ ट्रैक दियाँ कुछ यादा? जो भी बहर जाते थे क्योंकि असी तो बहुत उन्होंने पहला बहुत टूर लाए थे बहर, मतलब जो उन्होंने कुछ दसना भी है नहीं इदा नहीं करना इदा नहीं करना, असं उन्होंने हमेशा गाइड से चलते जिदा वो कहते सी उदा ही करते, जिस जाना उन्हें लै जाना, जिते भी कितने पार्टी उत्थे जाना उन्हें दसना भी इदा नहीं इदा करना, मतलब अच्छे से गाइड करते, सीनियर से गाइड करते। उदू पहला इन्होंने चंगे चंगे थ्री सी आर्मी च सार अपने की नाम परदमन सिंह शाटपुटर से, वो बड़े चंगे दोस्त से, वह भी चले गए बेचारे, मक्खण सिंह से वह भी चंगे दोस्त चले गए, मतलब चंगे चंगे थ्रीट से चंगे चले चले गए, इन्होंने मलबर्तन से इन्होंने काफ़ी ग्राउंड मेहनत बहुत करते, पर मैं उन्होंने उल्टियाँ करा हमेशा, जो मैं दौड़ना उन्हें पिछले टक 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 करते रहना, बेचा कोई कहते मेरे गलों लेंदे नहीं, कहना नहीं उल्टियाँ करानी उन्हें, ना मैं करनी ना उन्हें करनी उल्टियाँ, यानी इन्नी हार्ड वर्क करता से ग्राउंड च, बहुत हार्ड वर्क करता से, पूछो ना। डाइट भी अच्छी खाते, ऐसी भी डाइट चंगी उस टाइम पर साढ़े कोई इन्हें जिनी हम गवर्नमेंट केयर कर दी उस टाइम से कोई केयर है नहीं, डाइट नहीं सी मिलती, अपनी आप खाते से असी लिया के अपने जिहड़े तकड़े करते उही डाइट खाते, गवर्नमेंट नहीं करती, हुण गवर्नमेंट बहुत कुछ दे रही है, पर जिनी गवर्नमेंट हुण स्पोर्ट्स में चुक रही है रिजल्ट उन्ना वधिया नहीं, कोई मिलखा सिंह नहीं पता उस सदा, उस टाइम तो कुछ भी नहीं मिलखा सिंह, डाइट भी अपनी खानी सब कुछ अपना खाना, हुण तां तुसीं जाओ हर स्ट्रीट नूं जांदा ट्रैक सूट भी मिलता, डाइट मनी भी मिलती है, पॉकेट मनी भी मिलती है, वधिया एसी होंदे, साढ़े टाइम तो एसी नहीं होंदे सी, बाहर पखे लगे उत्थे सौंदे सी, कूलर भी नहीं होंदे, मतलब उस टाइम तो हार्ड लाइफ साड़ी, वह हार्ड लाइफ जी है ना मेहनत करते वो ना स्पोर्ट्समैन ज़्यादा बनते हैं, हूँ बच्चे सोल हो गए उन्नी मेहनत नहीं करते, हूँ तो इंजैक्शन लाओ जो पे 2 साल बाद बंदा खत्म, हूँ मेरे ख्याल से 58 तो लैके 62 तक चलिया, किन्ने साल चलिया 64 तक देखो ना किन्ने साल कढ़े, हूँ तो 2 साल बाद बंदा थ्रीट खत्म हो जाता, ऐसी 8-8, 10-10 साल रेसा करते हैं। मैं नॉर्थ रेलवे का पंजाब का भी रिकॉर्ड रखिया, मैं
1963 फिर यूनिवर्सिटी का भी रिकॉर्ड रखिया मैं, फिर मैं रेलवे का नॉर्थन रेलवे में 2 under 4 रिकॉर्ड रखिया। ये सब गाइडेंस मिल्खा सिंह की सी जो उन्हें मैं क्रॉस कंट्री दौड़ते रहे, मेहनत बहुत कमाता सी ये नहीं सी भी यार छोड़ो इनू परे और ले लो, वो कहने भी चंगा थीट बने गाइड करते। अजिही याद जगदीश जी नूं याद करके जिहड़ा है कि अज भी जिहड़ी है कि कई जिस तरह तो भावुक होंदे हो या वह पल जिहड़ा है कि मिस करते हो कि वह पल काश दुबारा आ जाए। वह पुरानियां गल्लां चेते आ जांदियां जी, जदों कदे असीं जदों जर्मन टूर सी साडा जर्मन टीम बाहर आई सी, असीं इत्थों चले गए जोधपुर जाना सी, ट्रेन च गए सी, जांदे सी उदों एसी उसी नहीं होंदे सी, उदों फसला होंदे सी और गप्पा मारनिया गल् कर ताश खेलनी, तो एक एक असी नहाँदा नहीं सी, सरती तो मैं खेल कहना ओए अंदर साल मेरा सिर जम गया, साबण जम गया सिर च कटो साबण, नहाँदा सिर धोना नहीं बहुत बहुत वैसे बहुत वधिया बंदा सी। तो यह मिठिया गल्ला की कह सकते हैं, वो परमात्मा वास्ते खेलते रहना सी भी चलो चंगा करो वधिया करो, एडा दिल का माड़ा नहीं सी, बहुत वधिया बंदा सी, गाइड करता सी हर बंदे नूं। ओही आ पुरानियां यादां रहियां, हुण की कह सकदे आ, जदों पुरानियां यादां आउंदियां फिर दिल थोड़ा दुख हुंदा भी यार उदों जिहड़े इकट्ठे सी असीं इकट्ठे उदों कार किसे कोल नहीं हुंदी सी, मिलखा सिंह कोल कार सी 1962 ते स्टेडियम तो आउणा काके दे होटल खाणा खाण आउणा, इह नाल लै के आउणा चला जा चलीए उत्थों खाणा खा के आवांगे, मतलब प्यार करदे सी दूजे नूं, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਥਲੀਟਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1962 ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ 'ਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇਖ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਾਂ ਚੌਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਟੀਮ 'ਚ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਥਲੀਟ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ। ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਮੈਂ ਸੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਨਫਿਟ ਸੀਗੇ, 400 ਮੀਟਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ 'ਚ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2 under 2 ਮੈਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਆ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਜਦੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਫੈਮਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ 1963 'ਚ ਦੌੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ 66 ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 64 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਗਿਆ 1965 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ 63 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੈਸੇ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਖੀਰਲੇ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਦੋ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ? ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮਿਲੇ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਤੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਆ ਫਲਾਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਮੇਰੀ।
ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਰੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘੱਟ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕੀ ਪਲ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਚਾਰੇ ਜੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਗੇਮ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਦੇਣ ਆ ਸਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਹਿਰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ? ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਪੀ ਆਈ ਜੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਲੀਕ ਦਾ, ਉਹ ਸਦਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਜੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਟੂਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਰਮਨ ਟੂਰ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਰਮਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਕੱਠੀ, 12 ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 1964 'ਚ, ਅਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਜਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ 1963 ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਫਸਟ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਔਰ 1962 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ 64 ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ 400 ਮੀਟਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਆਏ ਇਸ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖ ਲਓ, 62 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣੀ 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਚਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਚਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ 1962 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੀਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ
मेरा पहली मेरी एशियन गेम सी उदो सिलेक्ट हुआ साड़ी टीम की स्पीड सी ऐसी जेडे जो चार बहुत टीम गई सी उसे मक्खन यही चार ही सरदार है सी ऐसा 400 मीटर दे चार पंजाब दे मैं तो यही कहता परमात्मा उन्होंने बच्चों सुख शांति रखे और परमात्मा उन्होंने हमेशा दुनिया हमेशा याद रहन गए जिन्हें चर दुनिया रहेगी वो याद रखने भी इंडिया कोई अथलीट सी वो कौन सी साहब मिलखा सिंह उसका नाम कदे नहीं मिटेगा तू दुनिया तक क्योंकि ना कोई इदा का स्पोर्ट्समैन पैदा होना ना होगा इस करके उन्होंने हमेशा दुनिया याद रखेगी मैं तो कहना उन्होंने बच्चों सुख शांति रखे परमात्मा इन्हों बच्चों लंबी उम्र दे और बच्चे अच्छे रहन तो वो भी बच्चे अपने प्यो का नाम रोशन कर भी हाँ मैं असं मिलखा सिंह के बच्चे हैं पर मैं यही लास्ट कहना परमात्मा का हवा करना कि सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों ना लाई मिलखा सिंह और अगवाने तो बचाई सो इस साढ़े नाल मिलखा सिंह जी के परम मित्र जगदीश सिंह देओल जी जिन्हों ने उन्होंने बिताए जिहड़े कुछ पल साढ़े नाल सांझे किए कुछ पुरानियां यादां जिहड़ियां साढ़े नाल सांझियां कीतियां जगदीश सिंह देओल जी का यह कहना है कि कदी भी ना पूरा होने वाला घाटा तो वह जिहड़ा है कि इस सदमे तो शायद ही उभर पाउण चिराग शर्मा अजीत वैब टीवी जलंधर देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत